चंडीगढ़ में 19 मई को इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन को लेकर लोगों में काफ़ी हलचल मची हुई है। लोगों में हलचल ये है कि इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, तो आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। सर आपका नाम? संजीव जी, आपको क्या लगता है इस बार चंडीगढ़ में किसकी सरकार आएगी? देखो जी, सरकार तो ऐसे तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्लियरली कुछ बोल ही नहीं सकते, लेकिन ये है कि जो हवा बनी हुई है वो बीजेपी की बनी हुई है, क्योंकि जो ये जो कुछ काम बीजेपी सरकार ने किए मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसको देखते हुए लगता है कि बीजेपी की सरकार ही बनेगी। बाकी जनता है, जनता का डिसीजन क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी जब सत्ता में आई थी उससे पहले इनका नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो क्या अच्छे दिन आ चुके हैं? मेरे को तो नहीं लगता कि किसी प्रकार से कहीं भी कोई भी अच्छे दिन आए हों, क्योंकि देखो जी, सबसे पहले नोटबंदी वाला इशू उठा लो, नोटबंदी के बाद GST वाला इशू उठा लो, तो इससे जो व्यापारी वर्ग था उसकी तो इन दोनों चीज़ों ने कमर तोड़ के रख दी। ठीक है, अगर व्यापारी खुश नहीं है, व्यापारी खुश नहीं है तो समाज में कौन खुश है? क्योंकि व्यापार ही समाज की रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी ही नहीं तंदुरुस्त है तो समाज कहाँ से तंदुरुस्त होगा, ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हो। इन्होंने कुछ मुद्दे रखे जैसे कि पेट्रोल सस्ता होगा, आम लोगों को राहत मिलेगी, कुछ ऐसा आपको लगा? नहीं, पेट्रोल भी कोई सस्ता नहीं है, रसोई गैस भी सस्ती नहीं है, किसी भी एंगल से सस्ती नहीं है, दोनों चीज़ें। तो क्या लगता है चंडीगढ़ में बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? कांग्रेस से उम्मीदवार हैं अपने पवन कुमार बंसल जी, और भाजपा से हैं किरण खेर। देखो जी, अगर तो ये बीजेपी वाली जो लहर है इसको मान के चले तो फिर तो डेफिनेट है किरण खेर आएंगी। बाकी ये लास्ट डिसीजन जो है जनता के हाथ में है, जनता जो करेगी। तो सरकार तो मोदी जी ही है, संभावना ही नहीं दिया, लेकिन इनके दो काम गलत हैं, बाकी सब ठीक। दो काम कौन से? GST और नोटबंद। बाकी सारे काम इन्होंने ठीक किए? हाँ, बाकी लगभग ठीक है। उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना जो है इनकी, बाकी और भी ठीक है। गरीब के लिए कुछ किया है इन्होंने, ऐसी बात नहीं। तो चंडीगढ़ में कह रहे कांग्रेस का दूर, कांग्रेस एक तो मैं कहूंगा कि हम खुद ही पक्के कांग्रेसी हैं। ठीक है, हमेशा से हमारे पूर्वज ही कांग्रेस को वोट देते आए हैं। 5 साल के कार्यकाल में तो ये है कि जो रुके हुए काम थे अब कांग्रेस ने कर दिया, तो बाद में बीजेपी आ गई, बीजेपी के टाइम में वो लागू हो गए, तो नाम हो गया बीजेपी ने कर दिया। पर अपने अपनी राय होती है, अब हमारे राय से हम जैसे हमारे घर वाले कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने हमारे लिए ये किया, हम तो छोटे हैं यार, माँ बाप कहते भाई कांग्रेस ने ये किया वो किया, तो हमें लगता है कि कांग्रेस इस बार लग रहा है कि कांग्रेस, मतलब जो पहले अच्छे दिन थे वैसे ही हैं। पेट्रोल में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखा हमें, गैस में भी, बल्कि जो राशन मिलता था गरीब लोगों को वो भी बंद कर दिया गया। GST अब अकाउंट में GST आती है, पैसे तो वैसे भी अकाउंट में पड़े ही रहते हैं ऑलमोस्ट बंद हो गए, मगर उसमें जो 100 रुपये 150 आते वो पता ही नहीं लगता। और जो तेल मिलता था पंपों से, राशन मिलता था वो दिखता था कि महिलाएं जाती थी घर में कुछ अन्न आता था, राशन आता था, वो दिखता था कि भाई आज राशन आया, तो अपनी जेब से जो सैलरी होती थी उसमें थोड़ी बचत हो जाती थी कि सस्ता राशन मिल गया। अब अकाउंट में कभी गरीब बंदों को, अब मेरी मम्मी को पता है उसमें अकाउंट ही नहीं उनका, आज तक पड़े अंगूठा छाप है, उनको पता ही नहीं लगता। कई बार 6 महीने बाद मैं ही जाता हूँ अकाउंट में देखने के भी इनकी GST आई है, कभी गैस की नहीं आती, कभी अन्न की नहीं आती, अब 20-20 रुपये की किसके पास जाए? डिजिटल से कहते धोखा हो जाता है। पढ़े लिखे भी लोग हमारे पास बहुत आते हैं, जिसको अभी आज भी हम बोलते हैं कि भैया फोन से कर दो, फिर ना कैश पे भी रखते, भैया फोन से इधर से पैसा उधर हो जाएगा, कौन जिम्मेवार है, कौन देगा? मतलब आज भी घर वाले लोग हैं जो डिजिटल पे विश्वास नहीं रखते। मोदी जी खुशियाँ लग रही हैं, काफ़ी लोगों को बिजनेस मिला है, काफ़ी अच्छा, किसी के राज में ऐसे कुछ नहीं हुआ, ऐसे पेट्रोल सस्ता महंगा कोई रेट चल रहा है, ऑलमोस्ट ऊपर नीचे का भी होता है, ऊपर का भी नीचे, कोई भी ऐसे कांग्रेस का भी जोर है, बीजेपी का भी जोर है, और भी कई पार्टियाँ हैं, यहाँ तो कुछ भी उनका कुछ ही किया होगा, मोदी जी करते हैं जो करते हैं, अभी जनधन योजना ऐसे वगैरह, यहाँ यहाँ पे पहले MP है जो किरण खेर है, वो आती जाती नहीं है कहीं पे, ना ही किसी का दुख सुख सुनती हैं, कहीं बुला लेते हैं उन सुनते नहीं हैं, जैसे बंसल जी हैं वो आते जाते हैं, सबसे मिलते हैं, बातें बूते सुनते हैं सबकी, क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। ठीक है, दूसरी बात जो किरण खेर जी हैं उन्होंने ज़्यादातर कम्युनिटी सेंटर का ही निर्माण किया है ज़्यादातर, या ग्राउंड प्ले ग्राउंड वगैरह बनाए हैं इधर हमारे इलाके में, सहारनपुर की साइड ना, बनास वाली साइड। अनिश सर, इस बार चंडीगढ़ में किस सरकार का दबदबा? सर मेरे को तो पूरा कांग्रेस का लगा है सर, सपोर्ट पूरी है उनकी भी, एक्चुअली ये भी है कि बीजेपी भी माड़ी नहीं है, सपोर्ट उनका भी है, लेकिन कांग्रेस का इस बार ही ज़्यादा लग रहा है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी अगर कोई
इनकेस एमसीडी वालों की तरफ से कुछ होता है तो वो पूरी सपोर्ट करते हैं। किरण खेर का भी जो यहाँ पे है उनका रोल भी ठीक है। एक्चुअली उनका भी फेसबुक पे बयान आया था जो 17 सेक्टर में उन्होंने कहा था दुकानदार जैसे दुकानें बंद कर रहे थे अपने, उन्होंने स्पेशली ये कहा था कि आपका दुकानदार वो दुकान बंद करने का कोई हल नहीं है उससे, क्योंकि जो वेंडर्स बैठे हुए हैं उनको वैसे ही हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है। ठीक है जी। उस बीच उन्होंने ये भी ऑप्शन रखा है कि जैसे ये वेंडर्स हैं उनको हम अच्छी मार्केट दे के बैठाएंगे इनको, कि इनका भी रोज़गार छीने ना इनसे, क्योंकि उनके भी बीवी बच्चे सबसे पहले ये। कुलदीप सिंह, चंडीगढ़ में आज चंडीगढ़ में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ही एक रोड़ा है नरेंद्र मोदी जी का। वो आज तक बहुत सरकारें 1947 से लेके आज तक नरेंद्र मोदी जी ने लाल बहादुर शास्त्री के बाद ऐसा करके दिखाया इस देश को कि भी कोई देश वर्ल्ड के अंदर कोई देश है। जैसे अभी पीछे पुलवामा का बात थी, पुलवामा में पुलवामा अटैक का फौरन तौर पर एक्शन लिया गया और हमारा अभिनंदन जो कैप्टन था पकड़ा गया, उसको मोदी जी ने दूसरे देशों में प्रेशर बनाकर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाकर उसको छुटवा। आज तक 1971 और 1965 में जो लड़ाई हुई, आज तक हमारे साथी आज भी जो आर्मी के साथी हैं या और देश के लोग हैं वो पाकिस्तान की जेलों में हैं, क्योंकि सरकार तो उस समय भी थी इंदिरा गांधी को गोल्ड लेडी कहा गया, वो भी उन लोगों को नहीं छुटा पाई, बल्कि 93,000 सैनिक 1971 में हमने गिरफ्तार करे, उनको बिना शर्त हमारे साथी छूटे नहीं, उन्होंने बिना शर्त छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी के समय तक देश के लिए ठीक हुआ, उसके बाद 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई उस समय इस देश पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर सह गया और उसी गड्ढों को भरने के लिए नरेंद्र मोदी को 5 साल लग गए। मोदी जी की जो स्टेटमेंट थी वह अच्छे दिन आने वाले हैं, वो आज नरेंद्र मोदी जी ने वो काम करके दिखाए जो बड़े काम थे, जैसे और देशों के ऊपर वीटो पावर हमारे देश का ऊपर ले जाना, जैसे स्वच्छ अभियान, बहुत से ऐसे काम थे नरेंद्र मोदी ने जो बहुत आगे करे। और अच्छे दिन की बात रही, सबसे बड़ी बात मैं फड़ी लगाता हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले हमें कभी हाथ में बेचते तो हाथों में भी चलान कराया जाता था, आज हमें मान सम्मान से रोटी कुमाने का नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।